हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी शाम का 4:30 बज रहा है, हम रात का खाना का तैयारी कर रहे हैं और इनका भी ड्यूटी लग गया है, तो एक ही साथ अब खाना बना लेंगे। तो परवल काट रहे हैं थोड़ा सा। और आटा भी निकाल के रख लिए। आजकल इतना गर्मी लगता है ना, खाना खा के बस सोए थे तो सोए ही थे और फिर अभी हम जगे हैं। जब इनका कॉल आया तब जगे और फिर लग गए खाना उना बनाने। तो कुछ करने का मन नहीं करता है, गर्मी से बड़ा अति थका थका सा मन लगता है। अब इसी जगह पंखा में बैठ के मिला लेंगे आटा। हम यही करते हैं, यहीं पे बैठ के कर लेते हैं। और आज क्रिकेट है तो वही सब कोई देख रहा है, तो हम भी देख रहे हैं कि टॉस कौन जीता। थोड़ा बहुत सब्जी है तो वही खाएंगे, और ये वाला परवल का भुजिया जो सुबह हम बनाए थे तो अच्छा से उसको रख दिए हैं। आटा को सॉफ्ट करना है। शुरू में अगर हम कर देते हैं ना गीला थोड़ा सा तो वो हो जाता है, ज़्यादा ही लगने लगता है गीला, इसलिए पहले कड़ा किए हैं और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी दे के उसको सॉफ्ट कर देंगे। तो रोटी बहुत अच्छा बनता है, एकदम फूला फूला। और आप गीला कर दीजिएगा, कम टाइम में इसे झटपट कर देने से अच्छा रोटी नहीं बनता है, और लेट तक रोटी रहने से भी गर्मी में ख़राब भी हो जाता है। एकदम क्रीम जैसा हो जाना चाहिए आटा। और फिर चाय भी बन गया था तो वो चाय पी रहे हैं। हम नहीं बनाए थे, यही लोग बनाया, मन किया था पीने का। शाम का टाइम है, सवेरे खाने से थोड़ा सा शाम होते भूख लग जाता है ना। उधर नल ख़राब हो गया, उसी पे बोल रहे थे कि ना बार बार कह रहे हैं नल ठीक कराने के लिए। तो ठीक एक बार हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, बहुत दिक्कत हो रहा है। इधर पकने देते हैं सब्जी को, थोड़ा सा नमक हल्दी दे के चौक लगा दिए, प्याज और पंच वो उसका जीरा का चौक लगाएं। नाश्ता भी बन गया है, चूड़ा फ्राई किए, चना चूर चूड़ा, और उसी में आलू
उसको भी तल लिए थे, बहुत अच्छा लगता है खाने, बादाम और वही आलू। पहले इधर का कर लेते हैं तब जाएंगे। आजकल वो मसाला मेरा गुंडी जो होता है मिर्च का, वो ख़त्म हो गया है पाउडर वाला। वैसे हम ज़्यादा हरा यूज करते हैं, तो वही अभी काट के हम दे रहे हैं हरा मिर्च। सवेरे खाना बन जाता है तो अच्छा होता है। और लाइट का यहाँ पे जो है ना बहुत दिक्कत है, हमेशा लाइट जाता आता रहता है। आज ही के दिन देखते हैं अभी शाम में है लाइट, ज़्यादा तो शाम नहीं है लेकिन है अभी तक, नहीं तो आते जाते रहता है। रात में तो बिल्कुल नहीं टिकता है सही से। देखिए ये चूड़ा फ्राई किए थे खा रहे हैं हम लोग, फिर हम नाश्ता करके आ गए। अब जल्दी से आटा सना हुआ है ये है, अब बेल लेते हैं रोटी। पहले इनके लिए बना लेंगे तब हम बनाएंगे थोड़ा देर में। थोड़ा सा आटा है ही, तुरंत हो जाएगा। और आजकल हम लाइव वीडियो बना रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। एक तो पहले टाइम नहीं मिलता ऐसे आसानी होता है, इसलिए लगा देते हैं और इधर काम करते हैं। और फोन भी प्यास लग गया था तो पानी पी रहे हैं। होता है ना कि काम के चक्कर में भूल जाते हैं। और ये सूखा आटा इसलिए देते कि जो पहला रोटी ख़राब नहीं होता है, नहीं तो चिपक जाता है या कुछ फूलता उलता नहीं है। और ये जो वटसावित्री पूजा हुआ था उसके बाद से हम वीडियो ज़्यादा बना ही नहीं पा रहे हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा लाइव वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।
अब फिर से बारिश का सीजन आएगा। पक गया ये सब्जी, अभी इसको भी निकाल लेते हैं टिफिन में। थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दो। अब इनका टिफिन झटपट से पैक कर देते हैं। थोड़ा सा रोटी में घी लगाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, वही सब्ज़ी जो भी बनाए। आजकल मीठा नहीं दे रहे, ना ही खा रहे ज़्यादा। सेवई वे खीर सब हलवा ये सब अभी नहीं बना रहे, बहुत कम। क्या है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा ही मीठा खाते हैं, तो इसीलिए वो सोचे हैं बीच बीच में ना कम कर देंगे खाना। सब कोई बोलता है आप लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत खाते हैं।
ये टिफिन पैक कर दिए इनका, और हम इसी में बांध के देते हैं, वो बैगों का अलग से नहीं रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा ट्रेवल होता है और ज़्यादा भारी उरी हो जाता है, और ज़्यादा बड़ा इनके पास बैग भी नहीं है रखे रखते हैं, इसीलिए ऑफिस ऑफिस नज़दीक वाला होता है, चलो अच्छा रहता है, लंबा ट्रेवल में ये सब नहीं चलता है, हमको जैसा आसानी होता है वैसा ही कर लेते हैं। और ये निकल गए और हम वापस से आ गए किचन, अब थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि होता है ना कि हड़बड़ में ज़्यादा ही फैल जाता है, कितना पहले होता है फिर भी जो दिमाग उस पे रहता है कि हाँ हमको ये करके देना है, तो उस समय थोड़ा सा लापरवाह हो ही जाता है काम करने टाइम की, अच्छा छोड़ो बाद में कर लेंगे। वापस सब कुछ झाड़ू दिए जो आटा एक्स्ट्रा इधर उधर था, और फिर सामान सब सेट किए, और फिर रोटी बना रहे वापस हमको ना उसी जैसा जैसे बनाए हैं पहले वैसे में रोटी नहीं हम बना सकते, हमको अच्छा नहीं लगता, बहुत खिच खिच टाइप लगता है, इसीलिए इतना सा साफ कर लिए। धीरे धीरे देखिए ज़्यादा ही शाम हो रहा है, बीच बीच में कुछ कुछ काम हो जाता है बस, या फिर ये लोग भी बोलता है ये चाहिए वो चाहिए उधर से, किचन को साफ कर लिए, बर्तन धो रहे, हम तो पूरी तरह से भींग गए हैं, इतना ही गर्मी है, अब बीच में लाइट कट गया था इसीलिए हम कुछ और नहीं दिखा पाए, अभी लाइट आया ना तब बर्तन सोचे धो लेते, पानी भी खत्म हो गया था, थोड़ा देर बैठेंगे बर्तन पोछ के लगा देंगे, थोड़ा देर बैठ के तब फिर अच्छा लगेगा।
और देखते हैं अभी शाम का पूजा भी करना है, ये लोग से दिया जलवा दिए, अब हम देखते हैं कर लेंगे, नहाएंगे थोड़ा सा। वैसे पानी गिरने देते हैं तो थोड़ा वही वेट करना पड़ता है, लेकिन हम सोचे अभी लगा ही देते हैं अच्छे से पोंछ के, कहे हमको बैठना है हवा में थोड़ा देर, अब बार बार कौन आएगा किचन। सब बर्तन लग गया, कपड़ा भी किचन का धो के रख दिए। देखिए 8 बज गया, 4 बजे से लगे हुए हैं, मन नहीं किया, पूरा फ्रेश लगने लगा, हाथ पैर धो लिए और ठंडा में बैठे ना, और ज़्यादा रात भी हो गया। देखिए नील पेंट लगा रहे हैं, सोचे ऐसे टाइम नहीं मिलता है, दिन भर ऐसे ही कट जाता है, और फिर थोड़ा देर टीवी देखे और फिर खाना खाने लगे। रोटी है और वही दिन में बनाए हैं कटहल का सब्जी तो वही है, और परवल का भुजिया होगा, थोड़ा सा ज़्यादा पसंद नहीं है हमको तो हम यही खाएंगे। यह है आज का खाना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।